वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री सुरभ्यै नमः सर्वकामदुदे देवी सर्वतीर्थि विसेचनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता ग्रतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभि चरण कमलेभ्यो नमः श्री नंदिनी चरण कमलेभ्यो नमः श्री कामधेनु चरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृता चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः श्री राम के चरण कमलेभ्यो नमः बोलो अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की बोलो गैया मैया की मात पिता का बोलो ना मात पिता का और गौ माता से तो मात पिता गोधाम बनूर खलौर गांव के अंदर उपस्थित इस गौ कथा में मातृशक्ति बुजुर्गों और बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चों ग्वाल बाल स्वरूप आओ हम सब गौ कथा के माध्यम से अपने हृदय को पवित्र करें मन को गैया मैया के चरणों में लगाएं। बड़ा पुराना चित्र एक मेरे पास आज भी है हमारे गौचरण दास जी है ना गैया मैया के चरण पकड़े हुए हैं और गैया मैया के नीचे से निकल रहे हैं वो बड़ा पुराना चित्र आज भी मेरे पास है। तो वास्तव में ये जो हमारी गौ माता है ये गौ माता की उद्गम स्थल ही भारत भूमि है। ये गौ माता की जो उद्गम स्थल है ये भारत भूमि है। तो भारत भूमि का सौभाग्य कितना है कि इस धरती के ऊपर जिस धरती पर राम कृष्ण नानक शिव आए जिन्होंने लीलाएं की उस धरती का भार मेरी गैया मैया ने उठाया है। बोलो गौ माता की जो सारी सृष्टि का भार उठाते हैं एक गौ स्वरूपा ये जो पृथ्वी है ना एक गौ स्वरूपा है इसने सारा भार उठाया हुआ है इसीलिए गैया मैया को कहा गया है धात्री नारायणी ये धात्री है नारायणी। मैंने एक मंत्र बोला था शुरू में अगर मंत्र का अर्थ हमारे ध्यान में आता है ना तो सारी गौ सेवा समझ में आ जाती है। श्री सुरभ्यै नमः ये सुरभि कौन है सभी गायों की प्रतिनिधि है भगवान कृष्ण की इष्ट है गुरु वशिष्ठ जी के पास आश्रम में रहने वाली प्रथम गाय सुरभि है। अब सुरभि और नंदिनी का कितना संबंध है सुरभि की बेटी नंदिनी है और मात पिता गोधाम की भी सबसे पहली जो गौ माता नंदिनी जिसका समाधि स्थल यहां बना हुआ है वो शक्तिपीठ है हमारा जी शक्तिपीठ है जो मांगो वो मिलेगा ऐसी नंदिनी मैया की समाधि मात पिता गोधाम में है। आज अभी दो तीन साल हुए तीन साल आने वाले समय के अंदर जब कोई इतिहास लिखा जाएगा 500 सालों में तो ये 52 शक्ति पीठ कहते हैं ना तो हम कह सकते हैं कि 53वां शक्ति पीठ है मां नंदिनी का ऐसा शक्ति पीठ है इतिहास आएगा। आज मुंह से मेरे निकला है और मैंने कहा भी कि आने वाले समय में जब हम नहीं भी होंगे तब ये नंदिनी का शक्ति पीठ कहलाएगा। वो ब्रह्मचारिणी थी मां ब्रह्मचारिणी थी कभी मिलन नहीं किया उसका बच्चे को जन्म नहीं दिया ऐसी ब्रह्मचारिणी नंदी माता की तपस्थली है
यहां पे आपका आना और नंदिनी की परिक्रमा करना, और आज मैं जो बाद में बताने वाला था वो अब बताता हूं। संसार में सबसे पवित्र क्षण वो है जब गौ माता ब्यारही हो, जब गौ माता ब्यारही हो, अभी मैं पूछूंगा, तो ब्याते समय उसकी तीन परिक्रमा कर लेना। संसार के जितने जन्म आपने लिए हैं, उन जन्मों में जितने आपसे पाप हो गए हैं, उन सारे पापों को नष्ट कर देती है वो तीन परिक्रमा। जन्म देते समय गौ माता की परिक्रमा करना, इतना जबरदस्त तीन परिक्रमा उसकी। अभी परिक्रमा का विषय ही चल रहा है, नंदी है ना, नंदी किसी बहन के बच्चा ना हो, कई बार कहते बांझ है। नंदी की सात परिक्रमा, नंदी मतलब देसी गौ माता का नंदी, उसकी सात परिक्रमा सात दिन लगातार करनी, और देसी नंदी का उसी नंदी का मूत्र लेना है और उसको सात दिन लगातार सूंघना है, बांझपन खत्म हो जाएगा और वो गर्भिणी बन जाएगी। यहां से बोल रहा हूं मैं, व्यासपीठ से, इतनी महिमा है देसी गौ माता, देसी नंदी। हम तो अब हॉस्पिटलों में जाने लगे, हमारी गैया मैया तो सब कुछ देती है, तो विषय चल रहा था हमारी भारतीय गाय की उद्गम स्थली कहां है, भारत भूमि है, और विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, जहां जहां देसी गौ माता का प्रचार प्रसार हुआ है वो इसी भारत भूमि से हुआ हो, चाहे ब्राजील ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे न्यूजीलैंड ले लो, चाहे उर्गवे कंट्री ले लो, कोई भी विश्व के द्वीप हैं, वहां सब जहां भी देसी गौ माता गई वो भारत भूमि से गई। आज हम नाम लेते हैं ब्राजील का, तो ब्राजील गुजरात की जो गीर गाय है वहां से लेके गए राजा महाराजाओं से लेके, आज उन्होंने 60 लीटर दूध देने वाली ब्रीड को भी तैयार कर लिया है। उर्गवे, उर्गवे कंट्री है ना, उर्गवे नाम है उस देश का, केवल 50 लाख आबादी है उस देश की, लुधियाने के बराबर। हर घर के अंदर भारतीय गाय का गौपालन होता है, हर घर के अंदर 100-100 200-200 गाय हर घर के अंदर, व्यापार है बहुत बड़ा उर्गवे कंट्री में, और उनका व्यापार बढ़ रहा है, गौ के आधारित व्यापार चल रहा है। तो ऐसी पूज्य गौ माता जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, कहते कि समुद्र मंथन की लीला बड़ी पवित्र है, भागवत में पूरा वर्णन आता है कि एक बार भगवान विष्णु जी ने चिंतन किया कि ये जो राक्षस वृत्तियां है ना, ये देवताओं पर अत्याचार करती हैं, इनसे लड़ाई करती हैं, देवताओं को नुकसान क्षति पहुंचाती हैं, और इनके जो कुलगुरु हैं कृपाचार्य, वो क्या नाम है कुलगुरु, शुक्राचार्य, उनके पास एक विद्या थी संजीवनी, वो राक्षस अगर कोई मरता था तो संजीवनी विद्या के माध्यम से उसको जिला देते थे, फिर वो अत्याचार करते थे देववृत्तियों के ऊपर। तो भगवान ने कहा कि देवताओं को क्यों ना अमृत का प्रदान किया जाए, क्यों ना अमृत पिला दिया जाए, मरे ही ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा और समुद्र को मथा जाए, और समुद्र को मथने के लिए एक बहुत बड़ी मथनी की जरूरत है। कितना योजन समुद्र, वो असीम है, उसको मथना है तो मथनी भी कोई बड़ी सी लाई जाए, तो मंद्राचल पर्वत की मथनी लाई गई, समुद्र का मटका बनाया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, और देवताओं ने और दानवों ने मिलकर मंथन किया। कहते खूब मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, अमृत निकला, विष निकला, घोड़े निकले, औषधियां निकली, लक्ष्मी जी निकले, और एक समय ऐसा आया मंथन करते 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 समुद्र से कामधेनु स्वरूपा
पांच गौ माताएं प्रकट हुई हैं, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, ऐसी पांच गाय समुद्र से प्रकट हुई। धवल रंग उनका है और समुद्र से सतह से होती होती बाहर आई हैं और देवताओं के हिस्से में वो पांचों गाय आई, देवताओं को प्रदान की गई। लेकिन देखिए देवताओं की वृत्ति क्या है, देने की है, सृष्टि के कल्याण की है। उन्होंने वो पांच गौ माता जिनका नाम याद हो गया कि नहीं, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, ये मैंने क्यों कहा याद करने के लिए, जब भी आपका कोई पवित्र काम हो, जब भी कोई पवित्र काम हो, नोट कर लेना, जब भी अपना कोई काम बनाने के लिए हम घर से निकले तो पहले देखना कि मेरा कौन सा श्वास चल रहा है। तो घर से बाहर वो कदम निकालना जो श्वास चल रहा है, आपको पद पद पर विजय मिले, पद पद पर विजय मिलेगी। लेकिन उससे पहले भी एक काम करना, इन पांचों गायों के नाम बोलना, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, मैया तुम्हारी जय हो, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। फिर श्वास देख करके वही कदम बाहर डालना, आपको सब कामों में विजय प्राप्त होगी। बोलो गैया मैया की। ये पांचों गायों के नाम आज याद हो जाने चाहिए और हमारे माता पिता गोदाम में कहीं भी लिखवाने चाहिए। तो देवताओं ने अपने पास ना रख के उनकी पहले पूजा अर्चना की, वंदना की, उनकी आरती उतारी और वो पांचों गाय पता है कहां दी गई। उस समय धरती पर पांच महाऋषि हुआ करते थे, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। इन पांचों महाऋषियों के भी नाम महाराज जी लिखना है ना, पांचों महाऋषियों के परम वैज्ञानिक थे ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। इन पांचों गौ माता को उन पांचों महाऋषियों को दे दिया गया, उनके आश्रम में भेज दी गई। फिर उन पांचों महाऋषियों ने क्या किया पता है, उन पांचों महाऋषियों ने इन गायों के दूध, गोबर, गोमूत्र, दही और घी इन पांचों के ऊपर शोध कार्य किया, इन गायों की ब्रीडिंग के ऊपर काम किया। वो परम वैज्ञानिक थे और आज हम पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, एक आयुर्वेद के अंदर पूरा चैप्टर है पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा। तो पहला तो अध्याय आ गया, क्योंकि आज 12:15 बजे तक मैंने यहां बोलना है गौ कथा के माध्यम से। तो जो कथा 7 दिन होती है वो हम एक दिन में 1.5 घंटे के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। बोलो गौ माता की। और दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है गावो विश्वस्व मातरा, सारे बोलो गावो विश्वस्व। गाय विश्व की मां है, विश्व का मतलब पूरा संसार, और केवल भौगोलिक रचना की मां नहीं है, जो उस रचना में व्यक्ति रहते हैं, किसी भी जाति पंथ बिरादरी के हैं, उन सब की मां है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, सबकी मां है, सबको दूध देती है। ऐसा नहीं करती मैं हिंदू को दूंगी मुसलमान को नहीं दूंगी। आज राठ क्षेत्र बीकानेर के पास उन्हीं के नाम पर राठी गाय है, कच्छ के इलाके में मुसलमान गीर को संभाल रहा है, तो वो सबकी मां है, मेरी मां, सबकी मां, सबकी मां, मेरी मां। जब ये समीकरण बनता है तो मेरा अहम वयम में बदल जाता है, हम सब में बदल जाता है, हम सब में बदल जाता है। मेरी मां सबकी मां है, सबकी मां मेरी मां है, ये सूत्र जिस दिन बदल जाता है उस दिन हृदय के अंदर गावो विश्व समात्रा का रूप प्रकट होने लगता है। मां कहते मां, ये मां शब्द कहां से आया, ये 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि ऐसी है, कौन सी योनि, एक योनि है गौ माता, जिसका बच्चा जन्म लेते ही क्या बोलता है, मां शब्द उच्चारण। प्राणी जगत में कहते हैं ग्रंथ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला। फिर भी प्राणी जगत में जो बच्चा जन्म लेता है वो ओवा ओवा करता है,
गधी का बच्चा हिन हिन आता है, बकरी का बच्चा मिम आता है, लेकिन मेरी गैया मैया का बच्चा जो माधुर्य है, ममता है, वात्सल्य की मूर्ति है, वो एक सम एकदम जन्म लेते ही जब माँ के थनों के पास जाता है तो रमाता है कैसे, बोलो माँ। अच्छा, अपने में से मम्मी कौन कौन बोलता है जरा हाथ खड़ा करना, होयरा हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, पीछे माताएं भी बैठी हैं, अब बच्चे हाथ खड़ा मत करना, मेरा निवेदन स्वीकार करना, सच बोलना है। कौन कौन ऐसी हमारी मातृशक्ति बैठी है जिनके बच्चे मम्मी बोलते हैं, हाथ खड़ा करना, ऐसे खड़ा करो, डरो मत, हाँ खड़ा करो लगभग। तो रस मम्मी के अंदर है या माँ के अंदर है, बोलो जरा, अरे बोलो ना माँ, क्या बात है, रस माँ में है, माधुर्य माँ के अंदर है, ममत माँ के अंदर है, मम्मी के अंदर नहीं। तो आज जितने भी लोग बैठे हैं, चिंता मत करना, जितने भी लोग बैठे हैं, एक संकल्प करो कि आज अपने घर में जा करके एक चर्चा करेंगे, एक विचार की चिंगारी छोड़ेंगे। ये तो कर ही सकते हो ना, चिंगारी तो छोड़ सकते हो ना, एक छोड़ी सी। बच्चों को कहना कि भाई मम्मी में अच्छा लगता है या माँ में बढ़िया, रस माँ में है कि मम्मी में है, तो बच्चे क्या कहेंगे, माँ। तो सबने माँ शब्द का उच्चारण करना है, यही है गावो विश्व समात्रा। अगर आप कहोगे ना चंद्रकांत जी महाराज जी आप माँ के ऊपर बोलो, तो महाराज बालिया जी कल तक कथा माँ पे ही चलेगी। एक शब्द है, माँ सदा नीरा है, माँ गंगा है, माँ शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है, माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, माँ प्राण है, माँ उत्स है, माँ उछा है, माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है, माँ दीप्त है, माँ पूजित है, माँ पीपल की छा है, माँ व्यक्ति का मीरा विराट है, माँ सदा एक रस बहने वाली सात्विक प्रज्ञा है, माँ वो है। अरे माँ के बारे में कहो ना तो मुझे लगता है कि 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, 3 दिन कम पड़ जाएंगे। माँ व्यक्ति का विराट बताया गया है, और माँ क्या है, गूंगे की मिठास की व्यक्त ना कर पाने वाली व्यवस्था का नाम माँ है। जैसे गूंगा मिठाई खा लेना, प्रभु जी कितना आनंद आएगा उसको, लेकिन वर्णन नहीं कर पाएगा कि तुझे क्या लग रहा है। ठीक माँ वो है। माँ जीवन मरण से मुक्त है, ध्यान से सुनना, माँ जीवन मरण से मुक्त है। माँ स्वाजाई की नहीं, वो सबकी माँ होती है, ना जन्मती है ना मरती है। कभी नोट कर लेना, कभी मत कहना कि मेरी मां मर गई, नहीं, वो जहां भी है ना वो प्रभु का प्रकाश पुंज बन के हमें प्रकाशित कर रही है, हमारे अंदर अंधकार को दूर करके हमारे अंदर आलोक भेज रही है, प्रकाश भेज रही है। मां कभी नहीं मरती है, मां मरण जीवन मरण से मुक्त है। कभी माताओं कभी मत बोलना कि मेरी मां मर गई है, कभी मत कहना, ये बहुत बड़ा पाप है हमसे। अरे माँ तो प्रभु का, मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मा जी ने कहा है माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है, और ब्रह्मा जी ने यहां तक लिख दिया है कि माँ शब्द की व्याख्या मेरे शब्दों से भी परे है। देखिए जिसने सृष्टि की रचना की है वो माँ की व्याख्या करने में असमर्थ है ब्रह्मा जी। ये जो माँ है ना, और सृष्टि में सबसे पहले जो माँ शब्द आया वो गौ माता से आया, तभी से गौ माँ के समान पूजी जाने लगी है। बोलो गौ माता की। आज मेरा एक और निवेदन है, एक और निवेदन है, जो लोग नीचे बैठ करके कथा सुन सकते हैं राजा परीक्षित की तरह, माँ उमा की तरह, जो नीचे चौकड़ी लगा के बैठ सकते हैं वो नीचे आ जाओ। जिनको लगता है नहीं घुटने की दिक्कत है, मैं 1 घंटे नहीं बैठ सकता, 1.5 घंटे नहीं बैठ सकता, वो कुर्सी पे बैठो,
और कुर्सियों की व्यवस्था होगी, लेकिन कथा का जो सुनने का श्रवण का आनंद है वो नीचे बैठ करके है। तो ये अध्याय से हम और आगे चलते हैं थोड़ा। कौन सा? भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण मेरी गैया मैया है। बोलो गौ माता की। भगवान राम और कृष्ण के प्रागट्य का कारण मेरी गैया मैया है। भगवान राम का कुल सबसे बड़ा कुल है, रघुकुल। मैं एक निवेदन और करूंगा, 20 मिनट के बाद एक भजन होना है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, वो जब भगवान गाय चराने जाएंगे तब वो इधर आ जाना 20 मिनट के अंदर। तो कुल मिला के विषय को ध्यान से सुनना है। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। तो सबसे बड़ा कुल रघुकुल है। रघुकुल क्या है? रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा रघुकुल है। तो उस रघुकुल में कितना बड़ा कुल है? इक्ष्वाकु वंश से जो प्रारंभ होता है, आओ मेरे प्रभु, इक्ष्वाकु वंश से प्रारंभ होता है, राजा भरत, नहु, सगर, कितना बड़ा कुल है, उसी को मानधाता, ये सब उस कुल में हुए। लेकिन उस कुल में एक घटना घटित हुई है, वो क्या है? महाराजा दिलीप हुए हैं, बड़े परम प्रतापी राजा हैं महाराजा दिलीप। और एक बार क्या हुआ, स्वर्ग से महल की ओर आ रहे थे राजा दिलीप, चक्रवर्ती राजा है राजा दिलीप, पत्नी रजस्वला है, माता बहने ध्यान से सुनना, पत्नी रजस्वला है आप सब जानते हैं, और वो पत्नी से जल्दी मिलने की चाहत में स्वर्ग से सीधे गति के साथ महल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में उनको एक गौ माता मिली है राजा दिलीप को। राजा दिलीप को क्या मिली है? गौ माता मिली है, लेकिन गौ माता को प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम तो छोड़ो, राजा दिलीप ने गौ माता की ओर देखा भी नहीं, गौ माता का निरादर हुआ। और राजा दिलीप सीधे महल चले गए। लेकिन उसके बाद राजा दिलीप बहुत परेशान रहने लगे। उस गाय के मुख से श्राप निकल गया राजा दिलीप। राजा दिलीप बहुत दुखी, घर में कोई संतान नहीं है, और श्राप लग गया कि राजा दिलीप के संतान ही नहीं होगी कोई। अब इतना परम प्रतापी राजा, इतना पूरे संसार का चक्रवर्ती राजा श्रापित हो गया है, बहुत दुखी। अब जब दुख होता है, जरा माताओं बहनों याद करो, जब कोई घर में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तो क्या होता है? तो क्या होता है? अपने गुरु के पास जाते हैं, ठीक है कि नहीं? अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, जय हो, तो ऐसी जगह जाते हैं। तो राजा दिलीप और उनकी पत्नी अपने कुल गुरु राजा वशिष्ठ के पास गए, और राजा वशिष्ठ जी, राजा जी, राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, दोनों राजा दिलीप अपने और उनकी पत्नी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, और गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच के अपनी सारी समस्या रखी। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ ने देखा कि आपसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो ध्यान में आया कि गौ माता का निरादर हुआ है, अपमान हुआ है। स्वर्ग आते समय उन्होंने एक गौ माता को चरण तो छूना अलग, उसकी ओर निहारा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं किया। तो अब क्या समाधान है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को कहा, सुरभि की बेटी नंदिनी है। कौन है सुरभि की बेटी? बोलो, इधर ध्यान दो, सुरभि की बेटी का नाम क्या है? तो नंदिनी की सेवा करने को कहा। राजा दिलीप, परम प्रतापी राजा, उनकी पत्नी सुदक्षिणा, दोनों नंदिनी की सेवा में उनकी गौशाला में आ गए। दिन रात
गाय बैठती है तो राजा दिलीप उनकी पत्नी बैठते हैं, गाय खड़ी हो जाती है तो वो खड़े हो जाते हैं दोनों, गाय जब पानी पी लेती है तो स्वयं पानी पीते हैं, और जब गौ माता खाना खा लेती है उसके बाद खाना खाते हैं, जब गाय सो जाती है तो उसके बाद सोते हैं, गाय के जागने से पहले जाग जाते हैं। ऐसा राजा दिलीप और उनकी पत्नी ये काम कर रहे हैं, बहुत सेवा की है। और यहां तक कि गौ माता को गौ चराने के लिए राजा दिलीप जंगल में ले जाते हैं, स्वयं अपने साथ गौचारण के लिए लेके जाते हैं। राजा दिलीप ने भी गौ चराई है। एक दिन एक घटना घटी है। क्या घटना घटी? वो घटना ऐसी घटी, जो नंदिनी थी वो गुफा में चली गई, जंगल में गई। अब नंदिनी मिले ना, अब राजा दिलीप घबराए, नंदिनी को ढूंढते 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 गुफा में पहुंचे तो गाय दिखी, लेकिन वो दृश्य जो देख करके राजा दिलीप और घबराए। साथ में एक सिंह खड़ा हुआ था, राजा दिलीप उसकी रक्षा करने लगे और सिंह ने कहा कि भाई ये मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी है, राजा हट जा सामने से, मैंने भोजन करना है और मेरा भोजन मेरे सामने है। राजा दिलीप ने कहा नहीं, इस नंदिनी की सेवा करना मेरा काम है, तू कैसे कर सकता है भोजन। फिर सिंह ने कहा राजा हटो, तुम और गाय ले आना, दे देना जिसकी है, लेकिन मेरा भोजन मेरे सामने है और तुम नहीं रोक सकते, मुझे भोजन करने दो, मुझे भूख लगी है। अब बहस हो रही है, राजा दिलीप ने तलवार निकाल रही है, खड़े हो गए, बोले राजा ये गलत मत करो, मेरा भोजन मेरे सामने, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करने दो। तो राजा दिलीप ने कहा तुझे बहुत ही भूख लगी है तो मेरी बलि ले ले, मेरा भोजन कर ले, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने सामने गौ हत्या नहीं देख सकता, गौ का वध नहीं देख सकता, तू मेरा भोजन कर ले। कहते हैं कि नंदिनी की माया समाप्त हुई, सिंह अदृश्य हुआ और नंदिनी ने श्राप से मुक्त किया। उन्हीं राजा दिलीप के घर में रघु आए हैं, रघु के अज आए हैं, दशरथ के भगवान राम आए। तो राम के प्रागट्य का कारण मेरी नंदिनी है। अगर नंदिनी की सेवा राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ना करते तो कहां होते राजा रघु, अज, दशरथ और राम। तो श्राप से मुक्ति मिली है। और भगवान राम ने जब अवतार लिया है ना, तब एक चीज मां कौशल्या को कही है। क्या कही है? सारे बोलो, किस किस को याद है मानस की चौपाई? विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। विप्रयानी ब्राह्मण, धेनुयानी गाय, सूर्यानी देवता और संत जनों के लिए, इन सबको निर्भय प्रदान करने के लिए, इनको आश्रय देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं स्वयं मनुष्य जीवन धारण कर रहा हूं। ये मां कौशल्या, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। और जैसे ही भगवान राम का अवतरण हुआ है, दशरथ जी ने लाखों गाय चारों भाइयों के अवतार दिवस पर लाखों गाय दान में दिए ब्राह्मणों को, लाखों गाय गोदान किया है। ये है पहला कर्म। हमारा जन्म होता था कोई पवित्र काम तो गोदान होती। और यही नहीं, जब भगवान को वनवास मिला है, इन बच्चों को नीचे बिठाओ कुर्सी से, इन बच्चों को, तुम्हारे तो घुटने ठीक है ना, नीचे बैठो नीचे। भाई आप क्यों बैठ रहे हो उन पे, सीधे बैठो। तो यानी जब भगवान ने वनवास के लिए जा रहे हैं, उस समय भी किस किस को ध्यान है बताओ, भगवान ने किसको बुलवाया पंडित जी से कह के बताओ। वनवास जा रहे हैं तो वनवास जाते समय त्रिजट नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया है भगवान ने, क्योंकि भगवान के जीवन का सबसे पवित्र कालखंड जो है ये 14 साल है, सबसे पवित्र, सबसे आनंद वाला क्षण भगवान का वो 14 साल है जिसमें उनको वनवास मिला है। जो सही काम करने के लिए आए थे उन 14 सालों में किया है भगवान ने, तो उसमें हमने कुछ दान करना है। तो भगवान ने गोदान करने के लिए त्रिजट नाम के ब्राह्मण को बुलाया। बड़ा दुर्बल था, बड़ा कर्कश था, उससे कहा फेंक लाठी,
जितनी दूर तेरी लाठी जाएगी ना उतनी जगह की मैंने गऊओं को दान कर दी है तेरे लिए। अब त्रिजट लाठी लेके खड़ा होता है, ऐसे करता है, कितनी फेंकेगा, बड़ा कमजोर है। भगवान ने अपना तेज उसके अंदर ट्रांसफर किया है। आप पढ़ के देखना जरा क्या दृश्य है। भगवान ने अपना तेज उसके अंदर भेजा है और त्रिजट ने जब लाठी फेंकी है तो सरयू नदी को पार कर गई है। बोलो सरयू महारानी की। इतनी जगह की दूध देने वाली स्वस्थ गाय भगवान ने वनवास जाते समय दान में दी है। बोलो गैया मैया की। लेकिन एक बात तो बता दो, अपने जीवन में किस किसने गोदान कर दिया है अभी तक? ऐसे हाथ खड़ा को जिसने गोदान कर दिया है अभी, एक दो खड़ा रखो जरा गिल्लू में, एक दो तीन चार पांच छह, आपने भी कर दिए गोदान, ठीक। हाँ, जीवन में कम से कम एक गौ का दान करना, कन्यादान और गौदान, ये दोनों महादान। जीवन ए लोग, ध्यान से सुनना, ए लोग और परलोग दोनों को संवारती है, अपनी बिटिया भी जो है ना वो भी संवारती है। तो अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण के प्रागट्य के कारण। तो भगवान जब राम अपना काल पूरा करके, समय पूरा करके सरयू में आए हैं, सरयू में समाधि ली है, और समाधि से पूर्व भगवान क्या कहते हैं, त्रेता से जा रहे हैं कि इस युग में मैंने कहा तो था आते समय कि विप्र देन सुरु संत हित लीन मनोज अवतार, लेकिन मैं इतना काम नहीं कर पाया गैया मैया के लिए, लेकिन जब अगले युग में आऊंगा तो मैं गैया मैया के लिए खूब कार्य करूंगा, खूब काम करूंगा, ऐसा संकल्प लेके तब गए। और द्वापर में अष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने क्या अवतार लिया है बोलो, मथुरा के अंदर, जेल के अंदर, माँ देवकी के, जननी देवकी और पिता यशोदा के यहां कायका अवतार लिया, कृष्ण अवतार। और जैसे अवतार हुआ है कहते बेड़ियां लगी थी वासुदेव जी देवी, सब खुल गई, जेल में सब दरवाजे बंद थे, ताले खुल गए, अंधेरा था प्रकाशित हो गया, द्वारपालों को नींद आ गई। अब जननी देवकी के यहां भगवान प्रकट तो हो गए हैं, लेकिन राती रात कहां जा रहे हैं बोलो ना सारे, आवाज नहीं आई है जी, जोर से बोलो। अरे भाई सब नहीं बोल सकते, जोर से बोलो, कहां जा रहे हैं राती रात? गोकुल। सब क्यों नहीं बोल रहे, हमारी सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, गोकुल जा रहे हैं। देवकी को भी लगा अगर यहां रुकते हैं, भौर काल हो गया, कंस आएगा, सात बच्चों को जैसे कर दिया समाप्त, इसको भी करेगा, नहीं नहीं, जननी होके भी वो मां का सौभाग्य नहीं ले रही है, कहती इसको लेके जाओ। वासुदेव जी टोकरी में सिर पर रखते हैं, जेल से कारागार से निकलते हैं, बाहर आकाश के नीचे आते हैं तो आकाश मंडल से क्या होता है, सारे देवता भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब वासुदेव जी लेके जा रहे हैं तो रास्ते में कौन पड़ी है बताओ, जमुना मैया। अब जमुना में प्रवेश किया है, और जमुना में जैसे ही प्रवेश किया है ना तो क्या हुआ है, जमुना जी भी ऊपर आ रही हैं कि मैं भी अपने प्रभु के दर्शन करूं, उनके चरणों को स्पर्श करूं। अब जल इतना आ गया, वासुदेव जी घबरा गए, और जल इतना आ गया, माथे तक आ गया, वासुदेव जी घबरा रहे कि अब तो मेरे लाल का क्या होगा। तो भगवान जी ने भी देखा कि भाई अब वासुदेव जी भी घबरा रहे, उन्होंने अपने चरणों को टोकरी से निकाला है, और जमुना जी ने उनके चरणों को स्पर्श किया है, जमुना जी शांत हो गए हैं, और वासुदेव जी सुबह सुबह भौर काल गोकुल पहुंच गए हैं। सबसे पहले भगवान को गौशाला में ले जाया गया है, गौशाला में ले जाया गया, सबसे भगवान का नामकरण हुआ है, फिर महल में आए हैं, और यहां तक कि जब भगवान पांच दिन के पूर्ण हो गए हैं, छहवें दिन भगवान के पास कौन आई है बताओ, बोलो ना,
पूतना आई है, बड़ा सुंदर रूप धारण करके आई है, बड़ा सुंदर रूप सजा के आई है, लेकिन भगवान को पता चल गया है। लेकिन त्रेता में भगवान ने क्या कहा, ध्यान है ना सुंदरकांड में, भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने आगे बंद कर लिए, पता लग गया पूतना आई है, बहरूपी यहां बन के आई है, लेकिन पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री है, श्राप के कारण राक्षसी बनी है, 14,000 बच्चों का भक्षण किया है, 14,000 एकमा नंबर लगाने आई है भगवान का, और भगवान ने भी उसको मुक्ति दी है। क्या बात है, भगवान ने मुक्ति दी है उसको। कहते हैं कि जब पूतना आई है निहार रही है, भगवान आंखें नहीं खोल रहे हैं, माँ यशोदा जी कह रही तेरा लाला बहुत बढ़िया, तेरा लाला बहुत अच्छा, मेरी गोदी में तो दे, गोदी में भी दे दिया है, तब भी भगवान ने आंखें नहीं खोली हैं। और जैसे ही यशोदा थोड़ा अंदर गई है, उसने अपना विकराल रूप धारण किया है और कृष्ण को गोदी में उठा के आकाश मार्ग से ले गई है, ऊपर ले जा करके अपने स्तन से लगाया है, विष लगा के आई थी, कंस के कहने पर भगवान को अपने स्तन का पान कराया है, भगवान स्तन का पान करने लगे हैं, और धीरे 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 पूतना छटपट आने लगी, पूतना के अंदर घबराहट हो गई, भगवान स्तन का पान कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आया कि पूतना के प्राण निकल गए, पूतना धराशायी हो गई है। लेकिन जब पूतना लेके उड़ रही है तो नंद बाबा, माँ यशोदा, गोपी, ग्वाल सब दौड़ रहे हैं, मेरो काना, मेरो कन्हैया, मेरो का, दौड़ रहे हैं, और जैसे ही नीचे आ गई है पूतना, उसकी छाती पे भगवान खेल रहे हैं, उसकी छाती से उतारा गया है, माँ ने अपने हृदय से लगाया यशोदा ने, और कह रही मेरो काना ठीक है, मेरो काना ठीक है। लेकिन ध्यान था कि इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, पूतना के भी झाग, राक्षसी है, कोई विष लगा के क्या करा होगा, तुरंत लेकर के कहां जाते हैं, गौशाला में। अब ध्यान से सुनना, गौशाला में जब माँ यशोदा और नंद बाबा, उन्होंने क्या किया, भगवान की 10 इंद्रिय और 2 अंग, 12 अंगों को गोमूत्र से निलाया गया है, बोलो गौ माता की, उन्हीं 12 अंगों का, 10 इंद्रिया, ग्रीवा और नाभि, इन 12 अंगों को गोबर का लेप किया गया है, गोबर और गोमूत्र जहर को समाप्त करता है। चलो हम थोड़ा जल्दी से चलें, अब भगवान 5.5 साल के हो गए, भगवान का नामकरण क्या हुआ है, पूरी कथा करनी है 12:15 बजे तक, बोलो गैया मैया की। तो भगवान का नाम पड़ा है वत्सपाल, सारे बोलो, आप भी कथा करा करो, बोलो गैया मैया की। वत्सपाल, वत्सपाल का मतलब क्या है, बछड़े के पालने वाले, अब बछड़े को पालने लगे हैं। अब भगवान 6 साल के हो गए हैं, उनका नाम क्या हो गया है, बोलो गोपाल, अरे बोलो ना, गईयों के चराने वाले, 6 साल की आयु है, कहते मैया, अरे मैया मैंने गैया चराने जानू है, मैया मैंने गैया चरावे जानू है, मैया कहती काना तू छोटो है, अरे काना तेने अभी गैया की संभाल करनी आवे, पहले तेरी परीक्षा लूंगी पूरी। देखिए माँ ने कृष्ण की पूरी परीक्षा ली है कि गाय अगर बीमार है तो कैसे सेवा करेगा, गाय चारा नहीं खा रही है तो कैसे चारा खिलाएगा, गाय को अगर सुस्ती है, आंख से आंसू निकल रहे हैं तो क्यों परेशान है, ये देख लेगा। सारी परीक्षा जब पूरी हो गई तब नंद बाबा को बुलाया है, और नंद बाबा के माध्यम से पंडित जी को बुलाया गया है, और पंडित जी ने देखा, माँ ने कहा भाई देखो मेरे कान्हा ने गैया चराने जाना है, कौन सा दिन कौन सा मुहूर्त है, तो पंडित जी ने बताया ये जो आने वाली अष्टमी है ना, देखिए भगवान का अवतार कब हुआ, अष्टमी को, भगवान ने गौचारण कब किया, अष्टमी को, और भगवान की राधा रानी कब हुई, बोलो राधा अष्टमी मनाते हैं ना, तो तैयारियां चल रही हैं अष्टमी की, खूब ढोल बजावे नगाड़े, खूब पकवान बन रहे हैं कि मेरो काना गैया चरावे को जाएगो खूब, और सब महल से सब लोग निकल रहे हैं, भगवान को भी सजाया गया है, 9 लाख गौ माता लेकर के भगवान जैसे ही निकले हैं, मैया कहती कन्हैया रुक,
कन्हैया रुक, तेरे पैर में जूती नहीं है। अरे नंगे पैर जा रहे हो कन्हैया, कंकड़ छिदेगो, कोई चोट लगेगी। तो कन्हैया क्या कहता है, सुन मैया, ये कितने देवी देवताओं का, 33 कोटी देवी देवताओं का मंदिर है, इनके पैर में तो जूती ना है मैया ना, तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा, ये कन्हैया कह रहा है। फिर माँ ने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण 9 लाख गायों को लेकर गौचारण के लिए जा रहे हैं। ये जो ब्रज क्षेत्र है ना, 84 कोस की परिक्रमा, ये वो है जहां पर भगवान कृष्ण गाय चरा रहे हैं। तो आओ एक बार भगवान छोटी छोटी गैया लेकर के और जा रहे हैं गैया चराने के लिए। गौ माता बच्चिया बच्चे सब साथ में हैं, बीच में कृष्ण कन्हैया है, 6 साल की आयु है। आओ एक बार हमारे सब जो हमारे भजन गायक हैं, भजन भी पता है क्या है महाराज जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये भी एक भक्ति है भजन, ये भक्ति लेकर के भी हम परम धाम को जा सकते हैं। बोलो माँ, सब बोलो ना, कम से कम आज कथा का सार तो लेके जाओ, जो मम्मी कहते हैं वो कम से कम क्या बोलना शुरू कर दें, क्या बात, माधुर्य आएगा, आनंद आएगा। तो आओ, भैया ने बहुत बढ़िया भजन सुनाया, मैं गैया मैया से ही कहता हूँ, गैया मैया, खूब इनके कंठ में माँ शारदा का वास रहे। मेरे बहन भी बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। तो आओ हम आगे थोड़ा प्रवेश करते हैं। भगवान ने 6 वर्ष की आयु से गौचारण प्रारंभ किया। भगवान ने एक लीला और की, वो कौन सी लीला की, बहुत बढ़िया लीला हुई, वो है गोवर्धन की लीला। बोलो गोवर्धन, इसकी पूजा कितने समय बाद होने वाली है, दीपावली के अगले दिन। भगवान ने इंद्र भगवान की पूजा होती, तो इंद्र भगवान की पूजा बंद नहीं कराई, कभी मत कहना, कई बार कहते हैं भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, नहीं आज भी करते हैं लोग, लेकिन हाँ उस समय एक विशेष पूजा भगवान की करते थे, तो भगवान ने वो पूजा ना करके उस पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा की, क्योंकि उसका कारण था कि इंद्र वर्षा तो देते हैं, लेकिन जो गोवर्धन है, गोवर्धन जहां पर मेरी गैया मैया का वर्धन हो रहा है, जिन गैया मैया के दूध से मक्खन दही सब ग्वाल बाल सब खा रहे हैं, जहां गौ माता प्रफुल्लित है आनंदित है, जहां पर गाय का वर्धन हो रहा है, जहां पर प्रकृति की छटा है, जहां से हमें अन्न धन सब मिल रहा है, उस गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन की तो सभी लोगों ने थोड़ा ऐतराज किया, अरे कृष्ण ये तुम क्या कर रहे हो कि गोवर्धन की पूजा करेंगे इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। हाँ बोले, इंद्र की पूजा क्यों करना, हमारे साक्षात गिरिराज जी है ना, हमारे गोवर्धन भगवान है ना, उनकी पूजा करेंगे। तो कृष्ण का बताओ, तुम इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र प्रकट होते हैं, नहीं इंद्र प्रकट तो नहीं होते, हम भाव से इंद्र की पूजा करते हैं, भाव से उनके दर्शन ले लेते हैं। कह रहे इतना तुम व्यंजन बनाते हो, भोजन बनाते हो, इंद्र भोग लगाते हैं क्या, खाते हैं आके, अरे नहीं आते तो नहीं है, हम भोग लगाते हैं, भाव का भोग लगा देते हैं, क्या इंद्र आके तुम्हें ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं, नहीं आशीर्वाद तो नहीं देते। तो कह रहे फिर, अरे हमारे गोवर्धन तो साक्षात प्रकट होंगे, तुम्हारा जितना भी व्यंजन है वो भोजन आके स्वयं ग्रहण करेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अच्छा कन्हैया ऐसा होएगा, हाँ सबने बात मान ली, इंद्र की पूजा बंद करके और गोवर्धन की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। और जिस दिन दिन आया है दीपावली के अगले दिन, भगवान सबके साथ गए हैं और सभी ग्वाल बासी नर नारी बाल वृद्ध सब गौ माता भी वहां पर विचरण कर रही हैं और सब अपना अपना भोग लेके गए हैं, गिरिराज जी को भोग लगा रहे, जो भी थाली आगे करता है गिरिराज जी सबका भोजन स्वीकार कर रहे हैं, सबका भोजन स्वीकार कर रहे हैं।
गिरिराज जी दर्शन दे रहे हैं। गिरिराज जी कौन है? यही तो रूप, इधर कृष्ण खड़ा है, उधर गिरिराज जी के रूप में है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इंद्र को लगा देखो मेरी पूजा बंद हो गई और कृष्ण अपनी पूजा करा रहा है गिरिराज जी के रूप में। फिर इंद्र भगवान ने क्या किया बोलो? खूब बारिश की है, एक दिन दो दिन तीन दिन सात दिन मूसलाधार ब्रज जलमग्न हो गया है, सब तरफ जल ही जल है, लोग दुखी हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अभी कन्हैया देख रहा है एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन सात दिन हो गए, सब व्याकुल हैं, अब क्या करें, मेरे कारण ये गति हो रही है इनकी। तब भगवान ने क्या किया है, गिरिराज जी को प्रणाम किया है भाव से और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। बोले गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन पर्वत को उठाया है, सभी ग्वाल बाल नर नारी सब गौ माता उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। अच्छा एक बात बताओ, गोवर्धन की परिक्रमा जिन जिन ने की है हाथ खड़ा करो जरा, ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा ऐसे खड़ा करो जरा, चलो काफी लोग हैं। गोवर्धन की जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है ना, बहुत पुण्य मिलता है उस परिक्रमा को करने, नंगे पैर करनी चाहिए। अच्छा नंगे पैर और पैदल की है, ऑटो में बैठ के नहीं, नंगे पैर पैदल की है, किस किस ने की है? हाँ ये संख्या कम हो गई, तो अब जिन जिन ने नहीं करी है नंगे पैर करके आना, उसके अपने अपने पैरों के तलबों में वहां की रज लगनी चाहिए। नंगे पैर ढोलक ले जाओ, हारमोनियम ले जाओ, भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा करो। कभी माता पिता गोधाम की ओर से बालिया जी ऐसा एक कार्यक्रम करना, गोवर्धन की परिक्रमा मैं भी साथ चलूंगा। बोला गैया मैया की बसे ले चलो यहाँ से और नंगे पैर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे साथ, बड़ा आनंद आएगा, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने उठा लिया। अब इंद्र भी देखा इंद्र ने कि भगवान ने सबकी रक्षा कर ली है, अब भगवान क्रोध दिखाएंगे। भगवान ने उठा तो लिया पर्वत, सबको नीचे बुला लिया, अब सबके अरे कन्हैया, अरे कन्हैया तू तो मारे भगवान है, अरे कन्हैया तूने हमारी रक्षा की है, सारे ब्रजवासी गोकुलवासियों की रक्षा करी है, तू तो हमारो भगवान। अब कृष्ण को लगा ये तो भगवान के रूप में देखने लगे, मैं तो गड़बड़ हो जाएगा, मैंने तो मनुष्य जीवन में लीला करनी थी, ये तो सब भगवान भगवान कह रहे हैं, क्या होगा? तब भगवान ने क्या कहा है, तीन शब्द सुनना, सब सीधे बैठ के जरा तीन शब्दों को हृदयंगम करना। भागवत का सार है, भगवान ने कहा कुछ माखन को बल बढ़ियो और कुछ गोपन कियो सहाई और राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाई। अरे मैं कहा था ये जो मैंने ना, अब कई कहते हैं यार भगवान होके चोरी करते थे, भगवान माखन चोर कहलाए, हाँ भगवान माखन चोर है, वो चोरों का भी चोर है कृष्ण, माखन चोर है। क्यों है? ये गौ माता का अमृत है और ये अमृत कहां जा रहा था टैक्स के रूप में? कंस के पास। वो राक्षस ताकतवर होंगे और वो ताकत लेकर के फिर हम पे अत्याचार करेंगे, इसलिए ब्रज क्षेत्र का गोकुल का नंदगांव का बरसाने का कोई माखन दही दूध कंस के पास अब नहीं जाएगा, इसलिए मटकियां तोड़ते थे, माखन चुरा के ग्वाल बालों के साथ जाते थे और कहा कि जो मैंने माताओं के घर से गोपियों के घर से जो माखन चुरा चुरा के खाया ना, उसकी ताकत उठा रही थी, मैं कहीं नहीं था, भगवान ने सारा श्रेय मेरी माताओं को दिया है, क्या बात है, सारा श्रेय। और कुछ कह दिया कुछ गोपन की ओ सहाय, नवदीप जी कुछ गोपन की ओ सहाय, ये जो ग्वाल बाल बैठे ना छोटे छोटे, ये लाठी से उठा रहे थे गोवर्धन को, मैं कहां था, ये अपनी अपनी लाठी से ऐसे करके उठा रहे थे, मैं तो कहीं था ही नहीं। अब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, और तीसरी बात क्या कही है माताओं बहनों, राधा जी की कृपा से। राधा जी कौन है पता है? भगवान की आत्मा है, ध्यान से सुनो, राधा कोई
अलग से नहीं है, भगवान की आत्मा है। राधा जी की कृपा से मैं उठा रहा था गोवर्धन, मैं तो कहीं था ही नहीं। आप कह रहे हो कान्हा ने उठा लियो, कान्हा ने रक्षा करी, मैं तो कहीं था ही नहीं, मैं तो केवल ऐसे कर रहा था बस, बाकी काम तो ये सब कर रहे थे। इसलिए एक से सीख लो, जब हम कोई भी काम करें, अब हमारे बालिया जी हैं, बालिया जी इस मात पिता गोधाम की कथा है क्या है, ए बेसमेंट है, नी के पत्थर है, ए पीछे बैठ जा, कलश नहीं बनते, ये नी के पत्थर है, ऐसा बनो, करो सब कुछ, लेकिन बाबा बुल्ले शाह की तरह, चल बुल्लिया चल उठे बसिए, आ गया ध्यान में, चल बुल्लिया चल उठे बसिए, जिथे बसन अन्ने, और ना कोई साड़ी जात पछाने, ते ना कोई सानू मने, ऐसे बनो। हाँ मैंने इतना दिया, मेरा नाम ऊपर लिखना, मैंने किया नहीं भाई, कराने वाला तो वो है, ये शरीर मेरा है। बोलो सारे जरा आज एक, आज इस गौ कथा में ये भी जरा हम लोग चर्चा कर लें, बोलो ये शरीर किसका है, सारे बोलो ना, मेरा, किसका है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये बुद्धि किसकी है, मेरी, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी चेक करने के लिए बुद्धि है, क्या करना ठीक है क्या करना ठीक नहीं है ये बुद्धि तय करती है, और बुद्धि किसकी है, मेरी, लेकिन मैं बुद्धि भी नहीं हूं। ये मन यहां दौड़ता है, कभी वहां दौड़ता है, अभी कलकत्ता पहुंच गया, अभी घर में पहुंच जाएगा, अभी लगेगा ओहो मोबाइल बजने लगा, हुर हुर कर रहा है, साइलेंट है ना सबके, मत उठाना मोबाइल। तो मन कभी कहीं पहुंचता है, कभी कहीं पहुंचता है, तो मन किसका है, मेरा है, लेकिन मैं मन भी नहीं हूं। ये देखिए स्किन है ना, त्वचा कितनी संभाल करते, कोई साबुन लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई कुछ लगाता है, क्यों, ये मेरी है, लेकिन मैं त्वचा नहीं हूं। ये जीभ है ना, कितने रस लेती है, कहते हैं आज लंगर भी मिलेगा, रस आने लगता है, चने बने होंगे, पूरी बनी होगी, खीर भी बनी होगी, क्या बात है, रस आ रहा है, रस जीभ ले रही है, किसकी है, मेरी है, लेकिन मैं जीव नहीं हूं। तो बताओ मैं हूं कौन, तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा बोलो ना, कौन बोलेगा, कौन हूं मैं, शिवो हम, शिवो शिवो चिदानंद रूपाया शिवो हम, तो हमेशा आनंद देने वाले हैं वो सतचित आनंद, वो शिव का रूप, वो परम आत्मा, वो हूं मैं, चिदानंद रूपाय शिवो हम शिवो। इतनी तैयारी करो, क्षमा करना, इतनी तैयारी, सब कुछ मेरा है लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं हूं, तो मैं कौन हूं, बोलो ना, चिदानंद रूपाय शिवो हम शिवो, मैं वो वहीं से आया हूं, वहीं जाना है, और उसी के काम के लिए आया हूं। चार बातें हैं संसार में जानने के लिए भैया, माताओं बहनों, चार बातें, कौन मैं कौन हूं, तो मैं वो हूं, वहीं से आया हूं, वहीं जाना है, उसी के काम के लिए आया हूं। फिर क्यों ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को, कमाओ घर परिवार दुकान मकान कारोबार खूब करो, लेकिन ऐसे करो जैसे कमल में जितना कीचड़ उड़ता है, जितना पानी उड़ता है, कमल फिर उतना ऊपर हो जाता है, वो ऊपर ही रहता है, ऐसे जीवन जियो। तो हम थोड़ा और आगे चलें, तो गोवर्धन की लीला हुई है, अब भगवान इंद्र आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, भगवान आ रहे हैं इंद्र क्षमा प्रार्थना करने के लिए कृष्ण के पास, कहां से, देवलोक से, इंद्रलोक से, लेकिन साथ में क्या लेके आ रहे हैं कौन बताएगा, साथ में कुछ लेके आ रहे हैं, याद कर लेना आज के बाद, सुरभि मैया को साथ लेके आ रहे हैं, वो देवराज इंद्र की प्रिय गाय है और भगवान कृष्ण की इष्ट देवी है, और सुरभि मैया क्या गा रही है, भैया थोड़ा साथ देना, वो
सुरभि मैया आते आते रास्ते में देवलोक से आ रही है पृथ्वी लोक पे और क्या गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जो मंत्र है ये सुरभि मैया के मुख से निकला है और जैसे ही आए हैं देवराज इंद्र ने सुरभि मैया को भगवान कृष्ण के सामने कर दिया। अब भगवान कृष्ण ने जब देखा कि देवराज इंद्र ने सुरभि मैया को मेरे आगे कर दिया तो भगवान ने क्षमा कर दिया, कोई क्रोध नहीं किया है। बोलो गैया मैया की। चलो थोड़ा सा और आगे चले, बोलो सर्वदेव मई गौ माता की। आज मैं सारा सारा थोड़ा थोड़ा कथा का पार्ट कह रहा हूं। तो सभी देवी देवता क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मानस में बहुत सुंदर लिखा है, कहू विदि हमहि एक स्थानु जहि मिल रहि होइ सन्मानु, सुनऊ देव तब कहउ विधाता सकल निवास एक गौ माता। सारे देवताओं ने विधाता से पूछा कि हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ हम सब इकट्ठे रह सकें, हमारा मान सम्मान हो, हमारी पूजा हो, ऐसा कोई स्थान बताओ। तब कहते सुनऊ देव तब कयउ विधाता। सारे देवी देवताओं की बात ब्रह्मा जी ने सुनी और ब्रह्मा जी ने सुनने के बाद कहा सकल निवास एक गौ माता, कि ये सारे संसार में इस चराचर जगत में सारे संसार में सिर्फ मेरी गौ माता है जो आपको अपने अंदर सबको समा सकती है, रख सकती है। और ब्रह्मा जी ने कहा सभी देवी देवता तो आ जाओ, गौ माता आ गई है, सभी देवी देवता बैठे हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जहां जहां रहना चाहो वहां वहां अपनी जगह बना लो गौ माता के। तो बड़ा सुंदर मानस में लिखा है, रोम रोम कर बैठे थाना धन देन सब का यही बखाना, रमा गंग दोई हो बिलंबू करही विचार कहाँ अवलंबू। कहते सारे देवी देवता गैया मैया के रोम रोम में घर बना करके बैठ गए हैं सारे देवी देवता। और अब क्या हुआ है, दो देवियां लेट हो गई, ध्यान से सुना कि नहीं सुना, रमा गंग दोई हो बिलंबू, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा ये लेट हो गई, अब बहुत दुखी हैं, हमसे क्यों देरी हो गई। सब देवी देवता विराजमान हो गए, सबने अपना अपना घर बना के बैठ गए, दो देवियां लेट हो गई। ब्रह्मा जी खड़े थे, ब्रह्मा जी ने एकदम दोनों देवियों को डांटा और क्या कहा, जाहु निज लोका सुर सरी लच्छ होई अति सोका, जाओ दोनों अब अपने लोक को वापस चले जाओ, अब जगह नहीं है। दोनों देवियां बहुत शोक कर रही हैं, बहुत दुख प्रकट कर रही हैं, बहुत दुख मना रही हैं दोनों देवियां। ब्रह्मा जी ने कह दिया अब जाओ, अब उन्हें लगा हम करें क्या, अब ध्यान से सुनना हुआ क्या, अभी दोनों देवियां गई नहीं है, उन्होंने हाथ जोड़ करके गैया मैया के सामने क्या कहा है, कृपा करू कहू देहु निवासु गंग गोत श्री गोबर वासु, हे गैया मैया कृपा करो हम पे, हमें कहीं अपनी देह में यानी शरीर में कहीं भी जगह दे दो। तब गैया मैया ने कहा बेटी रुको, अभी मेरे पास दो जगह हैं, अभी बची है, कौन कौन थी, गंग गोत श्री गोबर वासु, माँ गंगा को गोमूत्र में और गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी को जगह मिली है, थनों में समुद्र देवता हैं, पेट में अग्नि नारायण देवता विराजमान हैं,
पूंछ में हमारे हनुमत लाल जी हैं, पीठ के अंदर सूर्य केतु नाड़ी जो है उसमें सूर्य से लेके केतु तक के सारे ग्रह विराजमान हैं। आपको पता है भाई, जरा सीधे बैठ जाओ, ये देखो इनके पास कोई बिठाओ जरा, वो अपनी कथा कर रहे हैं। एक जना बैठ जाओ, दीदी कौन इनके साथ आए, बैठो बीच में। तो कुल मिला के आज ये दूसरा पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है ना, ये पितृपक्ष चल रहा है ना। तो पितृपक्ष में गौ कथा बड़ी पुण्य का काम करती है। हमारे पितृ बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हमारी पुत्र वधु बैठ करके गौ कथा सुन रहे हैं, और हनुमान जी पूंछ में विराजमान है, और गौ माता की पूंछ पकड़ लो तो वैतरणी पार कराती है। हमारे पूर्वज सब आज बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि पितृपक्ष में हमारे बच्चे गौ कथा सुन रहे हैं। और सुनो, आज के दिन केवल जाने के लिए जो रह जाए रह जाए, नहीं तो सब मेरी गैया मैया को दे करके जाना। आज जो जो आपके जेब में है, बोलो गौ माता की 10 गुना आपको लौटाएगी। सब लोग थोड़ा बहुत रहने देना जितना जाने के लिए चाहिए, बाकी सब गौ माता के लिए अपनी अपनी मात पिता गोधाम जहां हम बैठे हैं इस नंदिनी माता को खूब दे करके जाना। मात पिता गोधाम के अंदर मेरे ध्यान में आया, आज ये बच्चे आए SOS के, SOS के सेव आवर सोल, ये बड़ी आत्मा है, इनको इकट्ठा करना है। किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं। तो मैं तो कहूंगा वालिया जी, इन बच्चों के लिए एक सूत्र बनाता हूं, इनके माता पिता नहीं है तो इस गोधाम का नाम है मात पिता। तो इन बच्चों के मात पिता कौन है, ये गोधाम है। बोलो मात पिता गोधाम की, इन बच्चों के माता पिता ये गोधाम है। इसलिए सारे ऐसे करके बोलो मात पिता का, बोलो मात पिता का, और गौ माता से यही गोधाम का आधार है, यही आधार है। और मैं तो अब समय थोड़ा बचा है 20 मिनट, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो जो इस गोधाम में आए, ये साक्षात वृंदावन धाम है, साक्षात वृंदावन धाम, ये गोधाम मात पिता का एक विश्व के अंदर आज हम कह सकते हैं कि पहला मात पिता का मंदिर बन रहा है। इसके भूतल में कितना बड़ा हॉल, जो लंगर हॉल के नाम से होगा, सब बैठ के प्रसाद ग्रहण करा करेंगे। 2000 लोग एक साथ यहां बैठ सकते हैं। इसके ऊपर फिर सत्संग हॉल होगा, जहां पर ऐसे कथा यहां हो रही है ना, 2000 लोग गौ माता की हरी कथा संकीर्तन सत्संग इसका आनंद लिया करेंगे। फिर उसके ऊपर मात पिता का वो मंदिर भव्य होगा, और मंदिर भी कैसा, जो भाव से प्रकट होगा, जहां साक्षात गोलोक का वास होगा। बोलो गोलोक धाम की। अच्छा, आज मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये गोलोक धाम क्या है, 7 लोकों में एक धाम है गोलोक धाम, 6 लोकों में तो सूर्य प्रवेश करता है, चंद्रमा प्रवेश करता है, अन्न जल प्रवेश करता है, लेकिन मेरे गोलोक धाम में ना तो सूर्य अपना प्रकाश भेज पाता है, ना चंद्रमा अपनी शीतलता भेज पाता है, ना अन्न और जल और फल की जरूरत होती है। ऐसा गोलोक धाम जहां पर भगवान के रूप में वो आत्माएं बाल रूप में ही रहती हैं, वो बड़ी नहीं होती हैं। मैं तो कहूंगा कि हे मेरी गैया मैया, ऐसे मेरे भक्त जनों को गोलोक प्रदान करना, गोलोक प्रदान करना जो सबसे उच्च गोलोक है। बोला गैया मैया की, ऐसा गोलोक धाम हम सबको मिले। कुछ कह रहे हैं बीच में, ठीक है, अभी बस थोड़ी देर और, फिर एक भजन भैया का और होगा, और उसके बाद हम कथा को विश्रांति देंगे, और बाद में फिर भजन संकीर्तन खूब चलेगा। देखो एक चीज जरूर ध्यान रखना, जीवन में जितना समय निकालो सारे काम छोड़ करके भजन संकीर्तन और कथा में प्रवेश करो, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। भगवान शिव ने कहा है क्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। जितना भी संसार में है, जितना भी जहां जहां दृष्टि जा रही है, वो सब मिथ्या है, झूठ है,
सच क्या है? बस हरि का नाम सत्य है, वही सच है। उसको छोड़कर के कहां जाना? भूख लग रही हो तो हरि का सिमरन कर लेना, गैया मैया का सिमरन कर लेना। दीपावली के अगले दिन मैंने बताया कौन सा त्योहार आता है, बोलो ना, गोवर्धन। फिर उसके 7 दिन बाद कौन सा आता है? गोपाष्टमी। तो गोवर्धन से लेके गोपाष्टमी तक और उसके अगले दिन तक एक त्योहार किसको पता है बताओ? वो नहीं पता किसी को। इस बार प्रारंभ करो मात पिता गोधाम से, बोलो गौ नवरात्रे, बोलो ना गौ नवरात्रे। इसमें 3 काम हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने सुरभि मंत्र का लेखन करना, प्रवीण जी नोट करना ये काम, प्रचार शुरू कर दो आज से, ठीक है नवदीप भैया? ये नोट करो, ओ गोवर्धन पूजा से लेके गोपाष्टमी तक बच्चों ने क्या करना, बाल बालिकाओं ने सुरभि मंत्र का लेखन करना। और जो युवा हैं 40 साल से नीचे और 18 से ऊपर, उन्होंने गौ माता के लिए संपर्क करना, गौ माता का प्रचार प्रसार करना। और जिनकी 40 से बड़ी आयु है उन्होंने सुरभि मंत्र का जाप करना, 20 माला, 50 माला, 100 माला, जितनी माला लिखते रहना, जितनी माला कर सकते हैं। किस मंत्र की करनी है? सुरभि मंत्र की। कौन सा? श्री सुरभ्यै नमः, बोलो सारे, श्री सुरभ्यै नमः, बोलो। ये जो सुरभि मंत्र है ये आरोग्य प्रदान करता है, धनो धान्य पुष्प भरा, घर के सुख समृद्धि लाता है। ऐसी मेरी गैया मैया और ये जो मात पिता का गोदाम मंदिर बन रहा है, मैं एक बार सबको कह रहा हूं कि सब लोग इससे जुड़े और ये एक ऐसा स्थान बने कि पूरे देश के नहीं विश्व के लोग इस मात पिता के मंदिर को देखने आए। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी मैं बात कर रहा था क्या हमारे पितर खुश हो रहे होंगे, तो मैं बताया कि पूंछ से लेके और गर्दन तक एक नाड़ी होती है, उसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। उस सूर्य केतु नाड़ी में सूर्य से लेके केतु तक के सारे देवी देवता विराजमान, ग्रह विराजमान है। भगवान गैया मैया के सिंगों में ब्रह्मा विष्णु महेश है, गैया मैया के मस्तक में गौरी विराजमान है, गैया मैया की आंखों में चंद्रमा और सूर्य है, गैया मैया की जीभ में वरुण देवता हैं, दांतों में सारे वसु हैं, खुरों में नाग देवता और अप्सराएं हैं, चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और जब गौ माता रमाती है ना तो सरस्वती का वास है। ऐसी पंच गव्यदायिनी गौ माता जिसके 5 गव्य हैं, मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा। गौ माता का पहला गव्य है गोबर, बोलो सारे, गाय का वर है गोबर, क्या है? गाय का वर है। अच्छा एक बात, जब मैं प्रश्न पूछूं सबने उत्तर देना है। मैं एक चौपाई पढ़ता हूं, वो चौपाई जिसके समझ में आ जाए तो बोलना, हाथ खड़ा कर। मानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखी है गोबर के बारे में, जे ही घर गोबर लेपन होई अन्न धन छीजत नहीं कोई, निर्मलता सुचिता तहां होई सुर समूह ग्रह धावत सोई। किस किस की समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। अरे कम हाथ खड़े हो रहे हैं, ऐसे खड़ा करो जरा ऐसे, बहुत अच्छा। जिनकी समझ में, जेई घर गोबर लेपन होई, जिस घर में गौ माता के गोबर की लिपाई होती है वहां अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। और ऐसे निर्मल पवित्र घर के अंदर देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता है, क्या बात है, दौड़ा चला आता है। ऐसे निर्मल भाव के घर में देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता है। अच्छा अब ये बताओ, आज से 25-30 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, जिनने अपने हाथ से गौ माता के गोबर की लिपाई की है पहली बार, अभी रुक जाओ, या जिनने सुना है कि मेरी दादी मेरी माँ गौ माता के गोबर से घर लिपती थी, जिन्होंने भी, पुरुषों ने भी, जिन जिन ने सुना है देखा है करा है, जरा हाथ खड़े करना। लो जी इनके खेचो फोटो, क्या बात है,
सबने देखा है सुना है तेरा। अच्छा आज किन के घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है, जरा हाथ खड़ा करना। एक दो, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। चलो दो तो है ना, एक हमारे मनीष भैया सुन लो। अब एक विचार करो आज, चलो नहीं होती है कोई बात नहीं, कोठी बन गए, पत्थर लग गए, बड़ी बड़ी टाइलें लग गई, बड़े बड़े संगमरमर के पत्थर लग गए, लेकिन आज घर में सब घर के सदस्य बैठ के एक विचार करो। विचार तो कर सकते, बोलो हाँ जी की ना जी, करना नहीं करना बाद की बात है, और मैं अपना नंबर भी बताऊंगा, मुझे फोन करना अगर वो बात हो जाए घर में। तो हम अपने घर में एक विचार करेंगे कि भैया गैया मैया का गोबर संसार में सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है, माँ लक्ष्मी का वास है। हम अपनी पोटी भी साफ करते हैं तो साबुन से दो बार हाथ धोते हैं, लेकिन देखो मेरी गैया मैया का गोबर मेरे माथे पे विराजमान है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं क्या, जो गैया मैया के गोबर या खुर के गोबर को मस्तक पर लगाता है वो 21 तीर्थों का स्नान कर लेता है। बोलो गौ माता की। गंगा सरस्वती सिंदूर कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका देहा पुरी तक्षशिला गया, इतने तीर्थों का मैंने स्नान करता हूँ रोज। ये मेरी धोती देख रहे हो, ये मेरा कुर्ता देख रहे हो, गैया मैया के गोबर और गोमूत्र से धोता हूँ। बोलो गौ माता की। कोई निगेटिविटी नहीं आ सकती, ऊर्जा ही ऊर्जा आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और मेरी गैया मैया का गोबर मेरे शरीर के साथ लगा है। मैं गौ माता के गोबर से स्नान करता हूँ। बालिया जी जरा आना, 3 दिन इसी मात पिता गोधाम में मेरे जब दायित्व आया गौ माता की कथा करने का, तो इस गौशाला में 3 दिन हम 80 लोगों ने गौ माता के दूध से, गोबर से, गोमूत्र से, दही से, घी से स्नान किया था 3 दिन। बोलो गैया मैया। महाराज जी याद है कि नहीं, तुलसी के पौधे सिर की तरफ होते थे, पैर की तरफ पातियां जलती थी, अप्रैल का महीना था, खुले आकाश के नीचे जहां मंदिर बन रहा है वहीं पर हम सोते थे, खुले आकाश के नीचे 3 दिन महाराज जी, 3 दिन। एक एक रोम खुल गया था गौ माता के दूध दही घी गोबर मूत्र से, 4-4 घंटे वो सामने हम स्नान करते थे, यही मात पिता गोधाम है। और मैं तो कहूंगा कि शायद मेरे जीवन में जो 5 साल पहले यहाँ पर 6 साल पहले शुरुआत हुई थी, प्रवीण जी हमारे थे, प्रभु जी प्रवीण जी भी थे, भाई साहब भी थे, कौन कौन थे जरा बताओ उस स्नान में, क्या बात, 1 2 3 4 5 पांडे जी आज हम सब के बीच में से चले गए, मैं प्रणाम करता हूं उस दिव्य आत्मा को। उन्होंने इस पंचगव्य के अंदर उन्होंने MD किया था, PhD करने वाले थे, वो हम सब के बीच से चले गए, और उनका भोग भी यही हुआ था, पता है ना, उनकी भोग की जो क्रिया थी रसम वो इसी मात पिता गोधाम में हुई। मैं उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूं अपना, बहुत कुछ सीखने को मिला पांडे जी से, और आज पूरी गौ कथा करने का श्रेय बालिया जी, मुझे लगता है शायद नंदिनी माँ ने ही आशीर्वाद दिया था, तब से मैं अंत तक गौ माता की कथाएं देश भर में कर रहा हूं। बोला गैया मैया की। देखो गौ माता का गोबर बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र है। किसी को स्किन डिजीज हो, मैं आज केवल गोबर के ऊपर बोलूंगा क्योंकि अभी 7-8 मिनट शेष है, गौ माता के गोबर स्किन के ऊपर कोई डिजीज है, चर्म रोग है, देसी गैया मैया के गोबर का लेप कर लो और 2 घंटे हल्की धूप में बैठो, उसके बाद स्नान कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बोलो गौ माता की। किसी बहन के बच्चा होने वाला हो तो यहाँ मात पिता गोदाम से शुद्ध देसी गौ माता हैं सब, उनके गोबर का रस 30-40 ml, जिस बहन के जिस दिन बच्चा होने वाला हो, डिलीवरी डे हो, जब प्रसव की पीड़ा उठे, 30-40 ml वो गोबर का रस पिला देना, 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी होगी। बोलो गौ माता की। अच्छा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, जिनकी निगेटिविटी आ रही है, जिनको शुगर हो रही है, सूत्र लिख लो, एक कोई लिख रहा है कि नहीं, 1 महीने लगातार नोट करो, देसी गौ माता का 200 ग्राम गोबर नोट कर लो, शुगर वाले, हार्ट, वेंस, कमजोरी, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, गोड़ों के दर्द, मोड़ों के दर्द, स्किन प्रॉब्लम,
इसके लिए सारी चीजों के लिए एक सूत्र दे रहा हूं आज मातपिता गोदाम से। बालिया जी, केवल 200 ग्राम देसी गैया मैया का गोबर, 300 ग्राम देसी गैया मैया का गोमूत्र, 1 लीटर पानी और 20 नीम के पत्ते आप डाल दो एक तसले में, पट्टल में, और 2 घंटे पैर रख के उसमें बैठो और हाथों को अच्छी तरह करो, गठिया के रोग, जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी सब दूर हो जाएंगे। बोलो गैया मैया की। इतना बड़ा सूत्र है। गौ माता के गोबर की धूप बत्ती घर में जलाओ, पॉजिटिविटी आएगी। गौ में बसते लक्ष्मी, ऐसे गैया मैया का गोबर अपने आप में अमृत है। और अंत में सब लोग सीधे बैठ जाओ, मैं अपनी प्रार्थना करके और वाणी को विराम दूंगा, फिर कभी 3-4 दिन 7 दिन की कथा महाराज जी यहाँ रखेंगे, तब आनंद आएगा। और आज भी आनंद आ रहा है, तो एक निवेदन मेरा, सब सीधे बैठ जाओ। ये सब कुछ काम हम करेंगे और 2025 के अंदर मात पिता के मंदिर के दर्शन करने के लिए दरवाजे यहाँ पट खुले हुए होंगे। बोलो गौ माता की। जिसका आधार गैया मैया है, मात पिता गोधाम, मात पिता गोधाम, ये एक ऐसा दिव्य, केवल भारत ही नहीं विश्व के लोग यहां पर दर्शन करने आएंगे, लेकिन वो सब काम हम अपनी आंखों से देखें। तो आप सब लोग पहले क्या चाहिए? स्वस्थ, मस्त, आनंदित। तो अपने शरीर को बढ़िया रखना। हमारे बहन जी भी आ गए, बेटा भी आ गया, पोता है, पोता, पोता भी आ गया। तो सब लोग ऐसे बैठ जाओ, जरा बोलो हम स्वस्थ रहेंगे। मजा नहीं आया, जरा ऐसे करके हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे। आगे आप बोलो जोर से, हंसाते रहेंगे। यही जीवन का आधार अपना बनाओ। तो उसके लिए एक सूत्र है, वो कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर भैया आगे की जो सूचना होगी हम करेंगे। पहली चीज, रात को जल्दी खाना, थोड़ा कम खाना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, पहला सूत्र। दूसरी चीज, रात को खीरा, मूली, दही, केला नहीं खाना। पहली चीज ध्यान में आ गई, रात को जल्दी खाना, थोड़ा कम खाना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। दूसरा सूत्र, रात को खीरा, मूली, दही, केला नहीं खाना, ये चारों चीज रात में जहर है, सुबह अमृत है। तीसरी चीज, बेड के ऊपर भोजन नहीं करना, तो नीचे बैठ के, नहीं तो मेज कुर्सी पे, पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना। भोजन के बाद पेशाब जरूर जाना, पथरी, आमा, पित्ता, गुर्दा, इसकी बीमारी नहीं होगी। बोलो गौ माता की। और चौथी चीज, पानी सुबह उठ के जरूर पीना, पानी बैठ के पीना, पानी धीरे धीरे पीना, भोजन से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद पीना। और आखिरी और पांचवी चीज, सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, रिफाइंड और प्रेशर कुकर, इनको घर से धीरे धीरे बाहर निकालना। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक, काला नमक, सफेद चीनी की जगह देसी खांड, शक्कर, गुड़, सफेद मैदा की जगह सूजी, बेसन, आटा, आटे में भी चना, जौ, ज्वार, बाजरा, कंगनी, रागी। स्वामी जी, नन्हे बालक को आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। बोलो मां। लाल है गौ माता का लाल, और खूब सेवा करें गौ माता की, फिर से जोरदार तालियां। गौ माता इसके ऊपर खूब कृपा करें। बोला गैया मैया की जय। बहुत सुंदर, एक कृष्ण का नैया लाल है, सबके लाल ऐसे खूब प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, और भगवान कृष्ण की कृपा इनके ऊपर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। तालियों में कंजूसी मत किया कीजिए। तो आखिरी चीज मैंने बताई ना, चौथी चीज रिफाइंड, रिफाइंड की जगह क्या, सरसों का तेल, जैतून का तेल, तिल का मीठा तेल सर्दियों में, और देसी गैया मैया का देसी घी। और प्रेशर कुकर की जगह हारा, पतीला, कढ़ाई, है ना, मटकी, इनका हम उपयोग करें, तो मुझे लगता है कि हम खूब बढ़िया रहेंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और भाई साहब जो भी सूचना देंगे वो हम उसका पालन करें, और उसके बाद अपना संकीर्तन वगैरह चलेगा। मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए पितृ पक्ष में मैं अपने प्रभु से, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मात पिता गोधाम से जुड़े रहें,
और यहाँ से हम ऊर्जा लेकर के कुछ अच्छा जीवन में कर पाएं। उसके लिए जब जब हमें इस भारत भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, हिंदू भूमि, मोक्ष भूमि पर जब जब जन्म मिले, तब तब के लिए मेरे राम जी की कृपा से आप सबके जीवन में गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग नदी जी का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्ध की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की और धैर्य पहाड़ का आप सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल।